वो 2gh अंडर रूट ये वाली चीज आ जाएगी, दैट इज बी ऑप्शन सही है, बराबर है। सॉल्व करो इसको फटाफट। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, SHM है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट 1/2 है एम्पलीट्यूड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। पहले तो ये सोचो हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना क्या है, टारगेट हमारा क्या है। हमारा टारगेट है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है। भाई हम सबको पता है कि अगर SHM हो रहा है तो उसमें काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। तो एक खास स्पेशल डिस्प्लेसमेंट पे, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे, काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना पार्ट है, फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो हार्मोनिक ऑसिलेशन है, डिस्प्ले काइनेटिक एनर्जी लिख दो। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के एक कॉन्स्टेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूँ कि हाफ के ए स्क्वायर और माइनस डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर और 4 अंडर रूट। फाइनली मुझे दिखेगा हाफ के और यह आ जाएगा रूट थ्री ए बाई टू। इसको एक काम करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं। चलो टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी जो होती है वो आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द टोटल एनर्जी। तो यहां से मैं अगर फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा तो कितना पार्ट इन सिंपल डिस्प्लेसमेंट हाफ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। हाँ देखो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या जा रहा है। जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे कि कह क्या रहा है, तब तक तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सवाल कैसे कैलकुलेट करें जब तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो वो चीज़ तुम सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड द टारगेट। सबसे पहले हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल का कितना पार्ट है। हम सबको पता काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है एक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट पे, वो स्पेशल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बाई टू पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं आसान सवाल की कैटेगरी में रखता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब ये इसको के मान लो, तो इसको मैंने के मान लिया, तो ये हाफ के और ये आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4। इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टारगेट है मेरा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना, हाफ के एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट ऑलरेडी इसी के फॉर्मेट में है, डिवाइड कर दो, पहले से दूसरे में डिवाइड कर दो। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ए टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ ए के, और इसमें से मैं 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये 2 ऊपर चला गया, के ए स्क्वायर इधर रह गया, ये सारा कट गया, तो ये 3/4। देखो बी ऑप्शन हम लोग का सही है, द फाइनल सॉल्यूशन इज बी। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो